महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जीएनआर कंपनी में घुसकर की तोड़फोड़, स्थानिकों को रोजगार के मुद्दे पर मनसे का हल्ला बोल, घटना के बाद से मंदीप लूड़े फरार। चंद्रपुर से सटे दुर्गापुर इलाके में आने वाले वेस्टर्न कोलफील्ड अंतर्गत काम करने वाली जीएनआर कंपनी में स्थानिक बेरोजगारों को रोजगार के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। गाड़ियों को तक एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों की तोड़फोड़ की। आप देखिए इस वीडियो में, जिसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL के दुर्गापुर इलाके में बसे जीएनआर कंपनी के कैंप में घुस आते हैं। जीएनआर कंपनी के कैंप में बाहर खड़ी चारपहिया जीप को एमएनएस के कार्यकर्ताओं द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, गाड़ी की तोड़फोड़ कर उसे पलटी की जाती है। इतना ही नहीं, आप वीडियो में ये साफ तौर पर देख सकते हो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जीएनआर कंपनी के दफ्तर में घुसकर टेबल कुर्सी समेत टीवी की भी बड़े पैमाने में तोड़फोड़ की जाती है, जिसका वीडियो भी बनाया जाता है। बेरोजगारों को रोजगार मिले, ये मुद्दा सही में गंभीर है, लेकिन एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जो आज तोड़फोड़ कर अपनी गुंडागिरी का परिचय दिया, क्या सही में इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलने में मदद होगी? खैर, जीएनआर कंपनी में तोड़फोड़ के बाद से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मंदीप लूड़े, जिसकी अगुवाई में इस तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया गया, वो वारदात के बाद से फरार हो गया है। टीम VL24 न्यूज़।